तहें उपाद गत कीनी वडभागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना राम नाम जो जन जपै तित चाख न लागे तंत मंत न जोही राम नाम जो जन जपै अन दिन सत जागे तंत मंत न जोही तित चाख न लागे जपो ता इको नामा अवर निराफल कामा सुखो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे जन्म मरण दुख जाए हुवे सिफत संबंधी नूर अरसों तुरसों चटी है तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर शांद शाह जिस पास बैठियां सोही है सबना दावे साह वाहिगुरु साहिब जी वडहंस महला तीजा सुनहो कंत महेली हो पिर सेव हो शब्द विचार अवगुणवंती पिर ना जाने मुठी रोवे कंत विसार सुने हो कंत महेली हो पिर सेव हो शब्द विचार अवगणवंती पिर न जाने मुठी रोवे कंत विसार रोवे कंत सुमा रोवे कंत सुमाल सदा गुणसार ना पिर मरे ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचै प्रेम समाए जिन अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनहो कंत महेलियो पिर सेव हो शब्द विचारे सब जग आप उपायोन आवन जान संसारा
माया मोह खुआयन मर जम्मै वारो वारा, मर जम्मै वारो वारा वधै बिकारा। ज्ञान विहूणी मुठ्ठी बिन शब्द पिर ना पायो, जन्म गवायो रोवै अवगुण यारी झूठी। पिर जग जीवन किसनो रोईऐ, रोवै कंत विसारे। सब जग उपायो, सब जग आप उपायो न, आवन जान संसारे। सो पिर साचा सद ही साचा, है नाओ सो पिर साचा, सद ही साचा है ना ओ मरे ना जाए। भूली फिरै धन इयाणी, रंड बैठी दूजै भाए, रंड बैठी दूजै भाए। माया मोह दुख पाए, आवण आव घटै तन शीजै। जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा भाए दूजा। जम काल ना सूझै, माया जग लूझै। लब लोभ चित लाए, सो पिर साचा सद ही साचा, ना ओह मरै ना जाए। एक रोवहै पिर है विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले। गुरप्रसादी साचा पिर मिलै, अंतर सदा संभाले। पिर अंतर संभाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। यह तन रुलै रुलाया, काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे। नानक सा धन मिलै मिलाई, पिर अंतर सदा संभाले। एक रोव है पिर है विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले। नानक सा धन मिलै मिलाई, पिर अंतर सदा संभाले। एक रोव है पिर है विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी दे महान शहीदी स्थान ते अदब सत्कार प्यार विच सजी साध संगत, गुरु साहब जी का हुक्म बड़े प्रेम नाल आप जी ने सुनिया। आप जी ने शब्द नू ध्यान नाल सुनिया, बड़ी वार इहदे च गल कीती रोवण दी। कौन रोंदा ते क्यों रोंदा है? तो गुरु साहब जी कहिंदे वी कंत नालों विछड़ी होई रोंदी है ते भरम विच रोंदी है। जिंद जिहड़ी है इह कंत नालों विछड़ी होई रोंदी है। ते सब तो वड्डी गल के कंत दूर नहीं है, यह भरम विच रोंदी है। बेसमझी च रो रही, इहनू पता नहीं लग रहा कि कंत है कित्थे है। वह सदा है, अविनाशी है, हाजर नाजर है, पर आप पिछड़ गई है। हुण जिवें मेला है ना जी, मेला लग्या होया ते मेले दे विच रंग रोशनियां ने,
सब कुछ खेड तमाशे ने। बच्चे ने, मैं बड़ी बारी उदाहरण दिंदा हुंदा, बच्चे ने पिता की उंगली फड़ी हुई है, हसदा खेडदा है, तो जो उंगली छुटदी है ध्यान देना यह है भी मेला भी उत्थे है तो पिता भी उस मेले च है। पहला उही रंग तमाशे रंग रोशनियां खुशी दे रही सन जो पिता की उंगली फड़ी सी। हुण नुकते वाली गल यह है भी मेला भी उत्थे है तो पिता भी उस मेले में है पर बच्चा रो रहा है। होया की है कि बच्चा पिता नालों विछड़ गया, पिता गया नहीं कि पिता मेले दे विच ही है। बच्चा अपने भरम करके रो रहा है कि मैं विछड़ गया, तो जे यतन करेगा तो उस मेले में ही पिता है। इस तरह महाराज कहन लगे भी ये जिंदर होंदी है तो भरम च रो रही है, कंत दूर नहीं है, कंत इस मेले च ही है, सुहाग इस मेले में ही है। तो ये जड़ी जिंद रो रही है ना विछड़ के, ये इस वास्ते रो रही है कि रंड बैठी दूजा पाए, ये कंत नालों टुट गई है तो किसी होर रंग तमाशे च फस गई हुई है, इस वास्ते टुटी हुई रो रही है, कंत ने नहीं छड़िया, कंत इत्थे ही है। बस आ गल समझण वाली है। सहो नेड़ा धन कमलिए बाहर क्या टूडे, हे इस्त्रीए तू कमली हुई, जिंद नूं कहा इस रूह नूं कहा तू कमली हो गई है, तू रो रही है, तू ढूंढ रही है, वह इत्थे ही है, बहुत नेड़े है तेरे, ते तू बाहर लभ रही है। बहुत सारे सुभागियां रूहां जिन्हां ने मेले विच गुआचे नहीं अपने खसम की उंगल फड़ के रखी, दूर नहीं हुए नेड़े लगे रहे, कदी नहीं रोए। बाणी च एक वचन आता है कि उन्हां सुहागणा नूं जाके पुछ रहे हैं कि तुसीं बड़े खुश हो, तुसीं बड़ियां खिड़ियां हुई हो, तुसीं कंत नूं किवें नेड़े इन्ना पकड़ विच रख लिया, जुड़ियां रहियां। जिन्नी अपना कंत पछाणिया हो तिन पुछों संतां जाए, उन्हां रंग रत्तियां रूहां नूं पुछ लिया जाके, जिवें बाणी च कहा जाए पुछो सुहागणी तुसीं रावया किन्नी गुणी, सानूं दसो ऐ भागां वाली ओ रूहो जे तुहानूं रंग चढ़िया तुसीं हर वेले वसल च विकास विचो मिलाप दे खेड़े चो, ते तुसीं दसो भी ओह किहड़ा गुण सी, किवें तुसीं इस विछोड़े नूं मिटिया ते इस मेले दे विच तुसीं आनंद माण रहे हो। जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पुछों संतां जाए, पुछ लिया भी दसो जी भागां वाली रूहो रतियो रूहो किवें तुसीं कंत पाया, प्रभ नेर हूं ते नेरिया किवें जाणिया तुसीं, तो उन्होंने कोई जवाब दिता जिहड़ी गल आप बड़ी बारी पढ़ते हैं, आप गवाई है तां सौ पाई, तजर्बा वेखो जी। मैं उन्हां रंग रतियां गुरमुख रूहां नूं संत रूहां नूं पुछिया, उन्हां वडभागियां आत्मावां नूं पुछिया, वो जुड़ियां हुईयां रूहां नूं पुछिया भी मैनूं दसो, हों तिन पुछों संतां जाए, तो उन्होंने मैनूं जवाब दिता तजर्बा दस्या भी आ तुहानूं दसीए, आप छोड़ सेवा करी फिर सचड़ै मिलै सहज सुपाए, आप छोड़ आप गवाई है तां सह पाई है, और कैसी होर कि सियाणप है, होर कि विधि है कोई, ये तो है नहीं भी शरीर सुक जाएगा पुठे लटके रवेंगे नंगे पैरी जावांगे कपड़े फटे पावांगे शरीर मैला कुचाला होएगा, जोग जोग दा थंदा जुड़ना, जोग ना भंगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेस, इन्हां गल्लां नाल नहीं, आप गवाए सेवा करे, जां फिर क्या आप छोड़ सेवा करी
फिर सचड़ा मिला सहज सुपाए, फिर कहते सुते से तो विछड़िया ही नहीं, जो मैं अपना आप मिटाया निज मिटाया तो वह मेथों दूर होया ही नहीं कभी भी, फिर जो दिसया उ दिसया मैं तो मिट गया। निवन सुखर खमन गुण जिबा मणिया मंत यह त्रै भैने वेस कर ता वस आवे। हुण जिहड़ा वस आ उहदे पिछे पिछे तुरिया फिरदा जी, वह कहते दूर थोड़ी जाता। तो बड़ा प्यारा जिहा शब्द अज साध संगत वडहंस राग के अंदर धन गुरु अमरदास महाराज बख्शिश कर रहे, अकलां चतराइयां नूं पासे रख के ना शब्द चो रस लैण दा यतन करिए। दयालु मेहरबान दाता साडे उत्ते बख्शिश कर रहे, रहमत कर रहे। सुनहो कंत महेली हो पिर सेवो शब्द विचार, पिर सेव हो किवें पिर नूं याद करना, किवें पिर नूं वाजा मारनियां, किवें पिर दी सिमरती विच जुड़ना। पिर मतलब वाहिगुरु ते धन मतलब इस्त्री, असीं साडियां रूहां जीवात्मावां कंत परमेशर है। इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सुबाई, असीं सारियां त्रीमता हाँ, कोई माण ही नहीं हैगा जी। पता नहीं असीं वंडियां पाउण वालियां ने कित्थों पाइयां भी नहीं नहीं जी, इस गलियारे च बीबी नहीं वड़ सकदी, पाइयां असीं। गुरु साहब कहिंदे तूं की कंत पुरख है ते असीं सारियां बाणी जो कह रही, मैनूं नहीं इस गल की समझ सत संगत, मैं किसी नुकता च नीच नहीं पैना चाहता, बाणी कह रही है भी बाकी सारिया जड़ियां असीं अंदर ताबिया च बैठियां होर सगली नार सुबाई, पुरख ते एक है कंत वाहिगुरु। इस रूह नूं जिद्दन वोटी बनाएगा ना ते सौ परमेशर मिलेगा, जिद्दन इहदा शिंगार करेगा भैकियां दे सलाइयां नैणी गुणा का शिंगार, अंदर भै आ गया, अखां सोहणियां हो गईयां, अखां च रब का भाव आया, भावना का शिंगार चेहरे ते नूर आया, शरदा का भाव का कर शिंगारो, तां सुहागण जाणियां लागी जां सहो धरे प्यारो। कपड़े वेख के नहीं सुहागण बनना, बाहर ते दुनिया दुनियादारी च कपड़े रंग ढंग मेकअप वेख के कहिंदे सुहागण होनी है, इत्थे ते भै ते भाव, अखां च भै होवे निर्मलता आएगी, चेहरे ते भावना शरदा ये जलाल आएगा तां सुहागण जाणी है। हुण आवाजां किवें मारीए कंत नूं, सुनहो कंत महेली हो, हे महिलाओ स्त्रियो महेलियो सुनो, पिर सेव हो, किवें सेवीए पिर नूं, किवें पिर साडी सुनेगा आवाज, असीं उहनूं याद करना ते किवें साडी याद उहदे तक पहुंचेगी जिहड़ियां आवाजां असीं कूकदे आ। गुरु साहिब जी ने भेद बड़ा सोहणा दिता, शब्द विचार जिद्दन जीवन पूर्ण तौर पर शब्द के अनुकूल साडा मन साडे बचन साडे कर्म, असी चितवदे की हाँ, असी बोलदे की हाँ, असी कमाउंदे की हाँ, जिद्दन पूर्ण तौर पर शब्द नूं मनन लग पे ना गुरु दे, ते गुरु का शब्द सीधा राह पहुँचाउंदा है परमेश्वर के घर का कंत के घर का। हर दरगाह का बसीठ है विचोला, उस विचोले ने सीधा बड़ा सरल जिहा तरीका दस्या जी, कोई हठ दस्या, कोई तप दस्या, कोई कष्ट दस्या शरीर नूं देण वाला, कोई कहा सानूं भी काम छड्ड दिओ, घर छड्ड दिओ, गुफा च चले जायो, जंगल च चले जायो, बिल्कुल नहीं। कहिंदे शब्द विचार अंदर आए ते कंत तुहाडी आवाज़ सुणन लग पए, तुहाडे कर्म तुहाडी सोच तुहाडे बोल सब कुछ कंत नूं प्रवान होणगे। पिर सेव हो शब्द विचार सुनो, मत्था टेकना सौखा है, प्रसाद कराउणा सौखा है, संगरांदा पंचमियां ते जाना सौखा है, पर जिंदगी दे अंदर शब्द विचार लियाउणी बड़ी औखी है, बड़ी औखी है। जिन्हां दे शब्द विचार आई ना, बनियां होईयां पोटलियां सोने चांदी दियां उत्थे छड के तुर पे कि गुरु दे शब्द ने कहा सी कि गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए, उत्थे छड दे
ਇੱਦਾਂ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਤ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿਰ ਸੇਵੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਵਣ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਪਿਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਗੰਠੜੀਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਅਤੇ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਬਰੇਚ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀਭ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਰੋਆ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀਭ ਕੰਨ ਸਭ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾੜੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨਰੋਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਪਿਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30, 40, 50, 60, 70, 80 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਠੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਠੱਗੀ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਸੀ ਸੋਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਘ ਰਚਿਆ ਇਸ ਲਈ ਠੱਗੀ ਗਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਈ ਠੱਗੀ ਗਈ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਪਿਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮੁੱਠੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਗਈ ਨਾ ਠੱਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ ਖਸਮ ਵਿਸਰਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਪਿਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮੁੱਠੀ ਠੱਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਪੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ ਫਿਰ ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਤ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਪਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਬੜਾ ਅਕਾਰਥ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਤ ਸੰਭਾਲੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀਏ ਤਾਂ ਕੰਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਿਛੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਈ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪੱਲਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪੱਲਾ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੱਲਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਦੂਜਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਓ ਪਿਰ ਸੇਵੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਪਿਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮੁੱਠੀ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਪਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ
गुणा नूं कट्ठे कर, कंत नहीं जांदा। तू इहदा मतलब अकारण रो रही है ना, दुहागन बन के छुट्टड़ बन के तू रो रही है, कंत ते सदा सलामत है, तू सदा सलामत निरंकार, इहदा मतलब तेरा रोना ही अकारत है। तू तो भरम च भुलेखे च रो रही है, ना वह विछड़दा ना वह मरदा, वो तो नाल रहिंदा, पर तू अवगण बंती करके ना तां रो रही है। गुरमुख जाता, जाता मतलब जाणिया, किन्हां ने जड़े गुरु दे सन्मुख होए। कंत कदी नहीं विछड़दा, कंत कदी नहीं मरदा, छड़ के नहीं जांदा, लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले, वह इत्थे उत्थे रखवाला, सदा नाल रहिंदा। समझ किन्हां नूं आई जिहड़े गुरु दे सन्मुख होए। गुरमुख जाता जान लिया, रोना मुक गया। मैं सोचा सी वह छड़ गया, मैं विछड़ गई हाँ, तो जो गुरु दे सन्मुख होए तो गुरु विचोले ने फिर मैनू पल्ले लड़ ला दिता। गुरमुख जाता है नाल सी, मैनू पछाण नहीं सी जी रब किहड़ा। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास है, मेले दे वेच ही सी मेरा कंत, मेरा प्यो, मेरा सौ, मेरा खसम, मैनू पछाण नहीं सी आ रही। मैं बहुत देर अखां दे पट्टी बन ली, मैनू भुल गया भी वह किहड़ा है, तो मैं इस दुनिया के मेले में किवें पछाणांगी। गुरमुख जाता शब्द पछाता, आकार तो उहदा है नहीं, तो उहनू पछाणना किवें आ जिहड़ा चक्कर चिह्ने अर वर्ण जात अर पात ने हन जी। शब्द के द्वारा पछाणिया गया, समझ आ गई। घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो, समझ आ गई। पछा पहला पछाण ही नहीं सी भी रब कित्थे है, कौन है, किहो जिहा हुंदा है। तो कई बार जो बंदा नहीं जानता पछाणदा मुनकर ही हो जाता कित्थे है। शब्द नाल जुड़ तेन निरंकार, जिहदा आकार ही नहीं है ना। एक तो है ना बंदा नैन नक्शा तो पछाणिया जाता है, उहदियां अखां मोटियां ने, उहदा नक्क इदां दा, उहदे बुल इदां दे, उहदे केस इदां दे है, उहदा चेहरा इदां दा है। एक आकार तो रहत है, तो उहनू पछाणन लई शब्द का चानण चाहिए जी, है मौजूद है, पछाण नहीं आ रही। गुरमुख जाता एक एक पंक्ति जी तुर अंदर तक उतरन वाली है, एक एक पंक्ति जिंदगी पलटन वाली है। गुरमुख जाता शब्द पछाता, साचै प्रेम समाए, साचै प्रेम झूठे प्रेम विच नहीं। गुरु साहब जी ने दो तरह के सज्जन कहे, एक एक क्या ये सज्जन मेले ना विछड़ै जी आप मेले करतार, एक क्या मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार। हुण आ मेल वह दस्या गुरु पातशाह जी ने, गुरुदेव जी कहिंदे साचै प्रेम जिहड़ा सदीव अटल स्थिर सच्चा प्रेम है ना, वह लीन कर दिंदा। साचै प्रेम समाए, उहदे विच लीन ही प्रेम कर सकदा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, होर कोई साधन ही नहीं हैगा। फिर सुनियो जी, अखर अखर सुनियो, गुरमुख जाता मतलब जाणिया, जान लिया। हुण एक हुंदा भी दस दिता भी तैनू इदां इदां दा बंदा मिलेगा, फिर बंदा कहिंदा मैं पछाणिया नहीं। गुरु दे सन्मुख हो के गुरु कोल बैठ के जाणिया, शब्द दा नेत्रां विच अंजन पिया ते शब्द पछाता। तीजी गल अवस्था की बनी, प्रेम, ते प्रेम बनिया ते समा गया विच। गुरु कोल आया ते जान जाणिया भी इदां दा रब, शब्द नाल जुड़िया ते पछाण लिया भी आया सामने मेरे खड़ा है, ते सच्ची प्रीत नाल जदों लग्गिया ते फिर समा गया, एक मिक हो गया। इको पंक्ति च सारियां अवस्थावां ने। गुरमुख जाता शब्द पछाता, साचै प्रेम समाए, जिन अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कुड़ियारे। उहदे कूड़ च ठगी गई जी, ना जाता ते ना पछाता, क्योंकि ना गुरु दे सन्मुख होई, ना शब्द की सोझी आई, रंग तमाशियां च डुबी हुई सी, संसार दे भोग विलासां च खजत सी। ते फिर उन्हें की कीता जी, जिन अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कुड़ियारे। सुनो कंत महेलियो पिर सच पिर सेव हो शब्द विचारे। हे महिलाओ, स्त्रियो,
हे प्यारियो रूहो, हे सहेलियो सुनो, जे उन्हूं याद करना है तो शब्द की सोझी लवो, जे उन्हूं जाता तो पछाता तक पहुँचना ना तो फिर शब्द की सोझी लवो, बाणी नूं समझो, बाणी नूं जीवन का यत्न करो। दूजे पदे च कृपा की, सब जग आप उपायोन आवन जान संसारा, पहला क्या भी कंत नहीं कित गया, दूजी गल कि जड़ा जगत है ना वो स्थिर वाहगुरु ने पैदा किया, तो ये जम्मण मरण वाला है, तो जड़ा जम्मण मरण वाला है आन जाण वाला है स्थिर नहीं है, अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरे होए है खे, ये तो मिट्टी है, तो फिर असी जम्मण मरण वाले की आस कादी रखांगे जी, अज है कल नहीं है, जड़ा इनू उपाउण वाला जिहदे हाथ च खेड है सब कुछ करन कराउण वाला, सानू सतगुरु जी ने उहदे नाल जोड़िया, जम्मण मरण वाले नाल नहीं जोड़िया। सब जग आप उपायोन आवन जान संसारा, माया मोह खुआयन मर जम्मै वारो वारा, ते खुआर हो रहा माया ते मोह च फसिया होया, कशल च फसिया, जम रहा मर रहा, जम रहा मर रहा, कंत नूं पछाण नहीं रहा जिहदे हाथ च डोरी है, मर जम्मै वारो वारा वधै बेकारा, ज्ञान विहूणी मुठ्ठी क्यों ठगी, हुण पहले पंक्ति च कहा सी ठगी गई है, हुण दूजी गल च कहा भी ठगी क्यों गई है, ज्ञान विहूणी मुठ्ठी तां ठगी गई है कि इहनूं समझ नहीं सी, जिहनूं इहने सोना समझिया वह पित्तल भी नहीं सी, जिन्हों इन्हें रतन समझिया वह कौडी भी नहीं सी, जे कितें इहनूं परख हुंदी ते इह गीटियां ना चुकदी पत्थर साम हीरे साम दिंदी, इहनूं ज्ञान नहीं सी, इहनूं पता नहीं सी, ते ज्ञान होना सी गुर शब्द कोलों, कुंभे बद्दा जल रहै जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहै गुर बिन ज्ञान ना होए, ज्ञान भी होनी मुठ्ठी आ कारण है जी, सारा जीवन क्यों इहदा खूच पै गया, जो कुछ इहने इकट्ठा किया खे इकट्ठी करती रही, कारण की बनिया समझ नहीं सी, देखो अचरज भया, पता की होंगे जी परदा हट गया कहते, तो जिमें बंदा मत्थे ते हाथ मार के पछता ना, ओहो मैं 70-80-90 साल एवं खूह च पा दते, देखो अचरज भया जिस ठाकुर को सुनता अगाध बोध से हृदय गुर दया, गुरु ने दिखाया जिन्हों मैं कहना समान वाल वेख के याद करता है, देखो अचरज किड्डा दिखाया कहने गुरु ने दिखा दिता, सो हृदय गुर दया, गुरु ने दिता अंदर दिखाया भी आया भाई, सो जड़ा मर जम्मै वारो वार है वो पिछे लग के ज्ञान भी होनी मुठ्ठी, सोझी तो बिना एक होंगे ना जौहरी, तो जौहरी पता होंगे भी हीरा केड़ा तो पत्थर केड़ा, जिन्हों ज्ञान है तो जिन्हों ज्ञान नहीं वो हो सकता लाल लाल चिट्टे चिट्टे पत्थर ही चुकता रहे, ठगिया गया जी, सौदा किया सी ते चंगी चीज़ खरीदने वास्ते, तो जो जाके पता लग्या किसी ने दिखाया भी वेखो मैं ठीक खरीदया, उन्हें मत्थे ते हाथ मार के कहा कख नहीं, जे कि मैं ज्ञान हुंदा नॉलेज हुंदा परख हुंदी तो मैं चंगी चीज़ खरीद लैंदा, मैं तो ठगी गई, ज्ञान भी होनी मुठ्ठी बिन शब्द पिर ना पायो, जन्म गवायो रोवै अवगुण यारी झूठी, बिन शब्द पिर ना पायो, आ साडे लई ना गुरु साहब ने स्ट्रीट लाइट दे दित्ती, राह दसन लई भी आ ही बल्ब जगदा गुरु दा शब्द, सतगुर शब्द उजारो दीपा, ते जे इहदी लाइट रोशनी नहीं लै रहा ते बिन शब्द पिर ना पायो, फिर कख भी नहीं जी, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द कमला हो गया बौरा हो गया जग, तो बार बार पुकार के कह रहे सिखा तरी है गुर विचार, जे वाकई तू कोई बेड़ी लभदा है तो गुर विचार की बेड़ी है, जे तर सकना है, शब्द तो बिना ठगिया गया जी लुटिया गया, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो रोवै
रोवै अवगुण यारी झूठी, शब्द तो बिना जन्म गया, शब्द तो बिना औगण आ गए, शब्द तो बिना ठगिया गया, शब्द तो बिना रोना पल्ले पै गया। पिर जग जीवन हे कमलिए रोण वालिए जिंदे, तेरा कंत ना गया है किते ना मरिया है, वो तो जगत नू जीवन देण वाला है, उन्हूं कौन मार सकता है। तू भुलेखे च रो रही है, धोखा होया तेरे नाल, तू किसे झूठे का पला फड़ लिया सी, मैं जानिया बढ़ांस है। पिर ते जगत नू जीवन देण वाला है, ते जड़ा कायनात नू जीवन दे रहा है, बनस्पति जिदे करके जीवत है, ये धरत आकाश जिदे करके जीवत है, स्थिर खड़े ने। पिर जग जीवन किसनू रोइए, रोवै कंत विसारे, असल च तू धोखे चा, तू टुट गई है, कंत उत्थे ही है, कंत नहीं गया, ना कदे मरिया ना जाया, वो जीवन वंडन वाला वो नहीं मरदा। तू ठगी गई है ज्ञान भी होनी होने करके, जे तेनू ज्ञान हुंदा ते ठगी नहीं सी जाना, ते हुण तू रो रही है, तां सानू सतगुरु जी जगा रहे है जी। सब जग आप उपायन आवन जान संसारे, वो रचन वाला है, ते जगत जम मर रहा है, जगत की है आवन जान संसारे, ते तू जगत जगत तेनू मिठा लगन लग पिया, ये जग मिठा कहिंदा ना, जगत नाल तू जुड़ गई, ते जड़ा साजन वाला सी उहदा तेनू चेता भुल गया। ये ते आवन जान संसारे है, ये ते जिन्हां नू तू अज समझ रही है कुछ उन्होंने कल नू मर जाना, जिहड़ा इन्हां नू साजन वाला तैनू वह क्यों नहीं नज़र आता। अगले पद च कहिंदे, सो पिर सच्चा सद ही साचा है, ना वह मरै ना जाए, इन्ना पुकार पुकार के क्या जी, अजूनी है, अकाल है, सह भंग है, फिर भी बंदा मिट्टी पिछे जा रहा है। जिहड़े काल के बनाए सब है, काल ही चलो, उन्होंने पिछे भज रहे। बाणी कह रही है कि अकाल एक हस्ती है जिदे करके सारा संसार है, उदी पहचान नहीं आ रही, ना जाता ते ना पछाता, हुण जान पछाण होनी सी शब्द नाल, ते शब्द नाल जुड़ नहीं रहा, बाणी नाल जुड़ नहीं रहा, गुरमुख जाता शब्द पछाता, साचा प्रेम समाए, रस्ता ते आ सी इन्नी क पंक्ति वाला उहदे तक लीन होण दा, पर इहदे नाल इन्ना छाल होया ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਰ ਸੱਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੈ ਧਨ ਇਆਣੀ, ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਰੰਡ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਛੁੱਟੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ, ਦੋ ਚਾਰਨ ਬਦਨਾਓ, ਕੰਤ ਹੈਗਾ ਸਦੀਵ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਧਵਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੰਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੰਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜਾ ਭਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਕਿ ਰੰਡ ਹੈ, ਪਖੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਏ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਛੋਡਾ ਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਪਖੰਡ 'ਚ ਰੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜਾ ਭਾਏ, ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜਾ ਭਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਆਵਣ ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜਾ ਭਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਸ਼ੀਜੈ, ਆਵ ਘਟੈ ਸ਼ੀਜੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਹੁਣ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਓ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਸਵਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਸੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ।
रंड बैठी दूजा पाए माया मोह दुख पाए आव घटै तन शीजै जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजै पाए दूजै। दूजा जड़ा मर्जी होवे भावें वह मिट्टी की ढेरी होवे वह इट्टां की ढेरी होवे वह हड्ड मास का पुतला होवे पाए दूजा है ना दुख लागा पाए दूजा। इसलिए खुआर हो रही है रंड बन के शरीर खीण हो रहा कमजोर हो रहा उम्र घट रही है तो जो कुछ जमया वो तो मर जाना सब कुछ जो किश आया सब किश जासी सारिया ने चले जाना भाई। दुख लागा पाए दूजै जमकाल ना सूजै माया जग लूजै लब लोभ चित लाए। इनू हुण सिर दे उत्ते काल मंडरांदा नहीं दिस रहा तो यह रंग तमाशियां च डुबी हुई है अखां अपनी खुराक खा रही हैं जीव अपनी खुराक खा रही है कन्नां नूं अपनी खुराक चंगी लगती सब इंद्रे अपने अपने रसां च डुबे हुए है। जमकाल ना सूजै सिर ते मेरे काल मंडरा रहा नहीं सुझ रहा इनू आव घट रही है शरीर छिज रहा है जमकाल ना सूझै माया जग लूझै इहदे च ही झगड़ रहा माया दे झगड़े कलेश च ही पिया होया। लब लोभ चित लाए चित लगना सी परमेश्वर नाल चित लग गया लोभ विच ते लालच विच। सो पिर साचा सद ही साचा ना ओह मरै ना जाए कंत नहीं गया किते भी तू मूँह मोड़िया ते तां रो रही है तू मुठी गई है ज्ञान भी होनी होण करके तां ठगी गई है तू। एक रोवे है पिर है विशुनिया हुण चौथे पदे च महाराज कहिंदे भी हे रोण वालियो सुनो पिर है विशुनिया मतलब पिर तो विछड़िया। जड़ा वाहिगुरु साडा सारिआं दा मालक सी सारे जीवां दा सारी कायनात दा कण कण जर्रे जर्रे दा जड़ा खसम सी साध संगत किदां दी सोच बन गई। मैं पढ़ रहा सी हालात समय दे एक मुसलमान ने राम कह दिता तो उहदे विरुद्ध फतवा होया कि तू राम क्यों कहा। वेखो सानू गुरु साहब ने झगड़िआं चों कढ लिया वो कहिंदे राम राम खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह जो मर्जी कह रहे हैं जित द्वारा उभर है सारिया का भला करो वाहेगुरु कोई है झगड़ा जी एडे वड्डा मजहबां का कलेष खड़ा किया होया कि जड़ा धर्म शांति सुकून देने वास्ते सी ना। मैं गुरु की हजूरी से यह गल कहिंदा जे संभले ना तो भविख में यह धर्मां दे नां दे उत्ते इस देश नूं अग लग जाणी बर्बाद होएगा यह देश जिहड़ी अग बाली जा रही है जानबुझ के बाली जा रही है तो जे इहनूं शांत करना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शरण चाहो जिहड़े सिखा रहे हैं कोई बोलै राम राम कोई खुदाए को सेवै गसाइयां कोई की फर्क पै रहा राम कहण वाला भी भला है खुदा कहण वाला भी भला। वह धक्के नाल कहिंदा कि तू राम कह वो कह रहे जे कह दिता तो मेरा रहना कख नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने तो कोई नाम छड्डिया ही नहीं रब का अजूनी का अकाल का सहभंग का एको ही है पहले ला दिता एक ओंकार वो तो अगे भावें जो अरब खरब अनंत असंख जिन्हें मर्जिया नाम उचार लो कोई झगड़ा नहीं है एक है तो सारी कायनात का करता है। वो कंत मौजूद है रोना तेरा यह है भी तू विछड़ गई है कंत दूर नहीं है कंत एक ही है तो सब जगह पर है सारिया का एक उपयो है कुछ भी शब्द वो वरत लीए यह तो सिर्फ सानू दुनियावी शब्द दिते समझाने वास्ते ना समझ शब्द दिते भी उन्होंने कंत कहीए उन्होंने पिता कहीए उन्होंने सौ कहीए मतलब साडा सारिया का मालिक एको ही है एक पिता एक सके हम बार एक रोब है पिर है विशुनिया अंधी ना जाने पिर है नाले पिर का कसूर नहीं तू अन्नी है ते तेनू अखा तेरिया खुलनिया सी गुरु को आके जिन्हें ये भेद बखरेवे वंडिया अग्ञानता अन्नापन जिन्हें दूर करना सी हम अंधले अंध बिखे बिखराते
बड़ा प्यारा जहा वचन, अंधी ना जाने फिर है नाले, वो अखा खोल अन्नी है तेन पता ही नहीं जिंदे कंत ते नाल है, तू एवें विछोड़े च रोई जाती है। एक रोवे फिर है विशुनिया, अंधी ना जाने फिर है नाले, गुर प्रसादी साचा फिर मिले अंतर सदा संभाले। गुर प्रसादी जो बख्शिश करता ना गुरु, फिर पिर दिसदा ते अंदर ही देखो अचरज भया, जिस ठाकुर को सुनता अगाध बोध, असमानी गल्लां करदे सी उहदे बड़ा नेड़े सी, सो हृदय गुरदिया उहदे अंदर बैठा होया सी। आही गल कही गुर प्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा संभाले, अंतर बसै ना बाहर जाए, पिर अंतर संभाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। मनमुख जाता कहिंदा चलो गुरुद्वारे जाके सच बोल दे, मनमुख जाता दूरे ओ मूर्खे तू ओदी हजूरी च, जिथे भी है जिंदे मूर्ख होगी तू ओदी हजूरी च, दुकान ते बैठा भी तू रब की हजूरी च बैठा, दफ्तर च बैठा भी रब की हजूरी च बैठा। जिवें मैं ताबिया च बैठा ना, तो वड्डा दोष होएगा कि ताबिया च बैठ के झूठ बोलता है, ताबिया च बैठ के पाप करता है। आपां जिथे भी बैठे हाँ ओदी ताबिया च बैठे हाँ, अंधी ना जाने इस अन्नी नूं समझ नहीं आ रही जिंद नूं, ते ओह की समझदी आ अंधी ना जाने पिर है नाले, मूर्खे तैनूं पता नहीं तू हजूरी च बैठी हुई है, तू अपने घर च बैठी परिवार च समाज च नफरत ईरखा करी जांदी है, तैनूं पता नहीं कि तू कंत दी हजूरी च है। एक रोवे पिर है विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा संभाले। गुर प्रसादी पिर अंतर संभाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। जे समझी बैठी है ना भी दूर है कोई गल नहीं, केड़ा वेखदा है, इहदा मतलब तू मनमुख है, तू गुरमुख नहीं हुई। यह तन रुलै रुलाया काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, जिन खसम ना जाता हदूरे, ये तन रुलै रुलाया काम ना आया, खूच पिया जीवन सारा किसे काम का नहीं, रुल गया। जिन्हें नहीं जाने भी मैं उहदी हजूरी चा, समझ ला खूच पै गया जीवन, रुलै रुलाया काम ना आया, जिन्ना मर्जी सज सज के बह खेच मिल गया सारा जीवन। नानक सा धन मिलै मिलाई, पिर अंतर सदा संभाले, पिर अंतर सदा संभाले सा धन मिलै। जिन्होंने गुरु दे जान पछाण नाल वेख लिया ना, वो मिल गई थी सा धन मिलै, वो स्त्री वो जिंद मिल गई। मिलै मिलाई पिर अंतर सदा संभाले, एक रोवै पिर है विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੂਰਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਤ 'ਤੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਨਮੁੱਖ ਜਾਤਾ ਦੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਦਰ, ਕਤੇ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ तैं हजूर दूर कतूह ना जाई, रब रहिया सरबत्र मैं मन सदा त्याई, ई तूत ना बिछड़ै सो संगी गणी है, बाकी तो झूठे ही है, बिन सजाए जो निमख में उन्हां दा कहदा माण है जी, सो अलप सुख पणी है। बख्शिश करन महाराज अपनी रहमत नाल सानू निवाजन, गुरु दा शब्द भाई कपाट खोलद, अखां खोलद, जे मन लवांगे तो फिर तो भाई खुल जाणगियां अखां, कुछ वेख लवांगे, नहीं तो ये तन रलै रुलै रलाया, ये तो खेच पै गया, जीवन एवें गया। फिर महाराज सारे ते बख्शिश कर, भुल्लां बख्श दे, असीस दे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुर तां पाया सहज सेती, राग रतन परवार परियां, शब्दो तां गाव हरी केरा,
कहै नानक आनंद हुआ ए मन मेरिया। हर नाल रहो तू मन मेरे अंगीकार ओ करे तेरा। सबना गलना समरथ स्वामी कहै नानक मन मेरे साचे साहेबा। घर तां तेरा सब किश है सदा सिफत सलाह तेरी। नाम जिनकै मन वसिया कहै नानक सचे साहेब। साच नाम आधार मेरा जिन कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां कहै नानक सुनो संतो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। पंच दूत तुद वस कीते तुर कर्म पाया तुद जिन कौ। कहै नानक तै सुख हुआ आनंद सुनो बड़ भागियो। पार ब्रह्म प्रभ पाया दुख रोग संताप उतरे। संत साजन भये सरसे सुनते पुनीत कहते पवित। बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू